और अब आज डे टू में हम लोग को बहुत सारा जगह कवर करना है। ऑटो वाले को हम लोग फोन कर दिए, वो आ जाएंगे और हम लोग का आज रात को 11:30 बजे फिर उदयपुर के लिए ट्रेन है, तो हम लोग फिर उदयपुर निकल जाएंगे, फिर वहां पर घूमेंगे और सब इम्पोर्टेंट चीज ही बताऊंगा। अब लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करें, छोले कुलचे यहाँ पर खा रहे हैं ये वाले स्टॉल के। अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? हम लोग शायद आमिर पोर्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग छोले कुलचे और रायता भी मिला उसके साथ, बहुत सब खा के अभी निकल गए हैं। पत्रिका गेट जा रहे हैं पंडित। तो ये दोस्तों हम लोग पहुँच गए पत्रिका गेट, हुए हैं मेरे सामने, बहुत बड़ा सन है, रात में बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा लाइट चल रहा था यहाँ पर, बहुत ग्लो कर रहा था। तो दोस्तों पत्रिका गेट से अपना हो गया बिंदा, अब इसके बाद क्या जा रहे? आमिर फोर्ट जाने हैं। तो अपन आ गए अजमेर फोर्ट के अंदर, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ये मैग्नेट वाला ले सकते हैं अपने, जैसे अलमारी वगैरह फ्रिज वगैरह में चिपकाने के लिए, हम लोग ऐसा टाइप का फ्रिज में चिपकाना है खूब सारा, अपन देखे हैं यादगार चीजें यहाँ के। तो हम लोग सब कुछ ढूंढना हो गया, अब हम लोग फाइनली अपने शॉपिंग के लिए आ गए हैं मार्केट। लड़की लोग शॉपिंग करते हैं और हाई लोग लड़के लोग ये काम करते हैं, फूली बनते हैं, बड़ा मजा आता है इसलिए अलग मजा, चीज का मजा लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज है जयपुर का डे टू पार्ट टू और हम लोग अभी जस्ट उठ गए हैं और मैं ब्रश कर लिया हूँ, अभी नहाने जाऊंगा और अभी हम लोग बस चाय वगैरह पिए, यहाँ का चाय अच्छा था, शक्कर अलग से भी मिल जाता है, तो चाय बिस्किट था अपने पास वो खा लिए। और अब आज डे टू में हम लोग को बहुत सारा जगह कवर करना है, तो आज हम लोग यही निकल रहे हैं अभी, तो ऑटो वाले को हम लोग फोन कर दिए, वो आ जाएंगे और हम लोग आज रात को 11:30 बजे फिर उदयपुर के लिए ट्रेन है, तो हम लोग फिर उदयपुर निकल जाएंगे, फिर वहां पर घूमेंगे जहाँ जहाँ अच्छा जगह है वो सब, भूख लगा तो स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे, तो वो स्ट्रीट फूड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और सब इम्पोर्टेंट चीज ही बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक। कल तो बहुत मजा आया, हम लोग घूमे कल हवा महल और चूटी थानी जो बोलते हैं वो गाँव विलेज टाइप का है, वहाँ सब एकदम ओरिजिनल राजस्थानी टाइप का पूरा थीम है और खाना वगैरह खाए थाली वगैरह, उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल गया होगा और वहाँ भी मजा आया हम लोग को, वो सब पूरा फैमिली के साथ जाने में अच्छा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, हम लोग को जल्दी निकलना था, ऑटो था हम लोग का, वो ज्यादा देर रुकता नहीं वरना एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाता, तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी खा और इस पेट एकदम भर गया था, तो फिर निकले और आज हम लोग बहुत सारे जगह कवर करेंगे तो वो सब आप लोग को देखने को मिलेगा, मजा आया लेकिन बहुत ज्यादा थक गए थे, तो भी अपन घूमे दो जगह तो अपन कवर कर ही लिए और फोटो वगैरह भी बहुत अच्छा अच्छा आया है, मैं तो खुश हूँ अपने फोटो वोटो से और वीडियो भी ठीक बना है, जैसे सोचे थे वैसा तो नहीं लेकिन ठीक है, 60-70% अपना प्लान भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैंड वगैरह आप लोग ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हाथ में अगर आप फोन ओन को रखेंगे तो ठीक है। ये होटल भी काफी ज्यादा अच्छा है, हम लोग एक रात गुजारे तो अच्छा लगा, एसी वगैरह सब है, ठंडी लगने लगा था तो ठीक है, रूम तो बाकी यही है पूरा हेला होला, फिर वापस आएंगे अपन 7 बजे तक, फिर अपन चेकआउट करके फिर अपन निकल जाएंगे उदयपुर की। दोस्तों सामान हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए और ये वाले भैया ने ऑटो लेके आए, 40-30 ठीक है, मैं घूम के निकल आती हूँ, बहुत लेट हो गए, थैंक यू भैया। तो अपन अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जर्नी में आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेवलिंग टिप्स भी आपके साथ शेयर करते रहूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा नोट्स पे। तो अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद अपन आज के जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने, छोले कुलचे यहाँ पर खा रहे हैं ये वाले स्टॉल पे, ठीक है 9:30 बजे। अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं विन्नी? हम लोग शायद आमिर फोर्ट जा रहे हैं दोस्तों, अभी ऑटो वाले भैया वहाँ पर खड़े हैं, छोले कुलचे बस रेडी हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए ऑटो वाले भैया अपने लॉन से थोड़ी दूरी में एक छोले कुलचे वाले स्टॉल में ले आए, तो छोले कुलचे इससे पहले अपन हवा महल के अंदर खाए थे तो मुझे पर्सनली उतना अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि कुलचे बहुत छोटे थे और ऊपर से कॉस्टली भी थे। मिर्ची ज्यादा मत रखिएगा ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर स्ट्रीट फूड या रोड साइड शॉप से ही खाना प्रेफर करें, आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा और साथ ही आपका मन भी भर जाएगा।
तो अभी हम लोग 9 बजे रेडी होके निकल गए और इसी वजह से अभी कुछ भी शॉप ओपन नहीं हुआ है, तो फिलहाल यही एक छोले कुलचे का स्टॉल मिला तो आ गए, पर सच में छोले कुलचे खाकर बहुत मजा आ गया। तो अब अपन जयपुर व्लॉग पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं और अब अपन अपने आइटनरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पत्रिका गेट जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग छोले कुलचे और रायता भी मिला दोस्तों साथ, वो सब खा के अभी निकल गए अपन, पत्रिका गेट जा रहे हैं। पहले मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम सुबह ठंडा ठंडा, बस 12 बजे से दोपहर के 4 बजे तक उसी टाइम तेज हो, बाकी रात में भी ठंडी लगता है। तो आज कल भी मौसम अच्छा था, आज भी अच्छा है और हम लोग आज जल्दी निकल गए और हम लोग बहुत सारा जगह कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में अपन इसी रास्ते से चौकीदानी गए थे और अब पिछले वाले ब्लॉग में रात हो जाने की वजह से ठीक से कैमरे में आया नहीं, तो अब दिन में अच्छे से देखने को मिला होगा आपको। तो ये जो किला देख रहे हैं इसे मोती डुंगरी फोर्ट कहते हैं, ये एक स्कॉटिश कासल की तरह बनाया गया है जो कि इसे बाकी किलों से अलग बनाता है और ये एक प्राचीन और प्रसिद्ध किला है और इसके अंदर एक गणेश जी का मंदिर भी है और इस फोर्ट का आकार पहाड़ी जैसा है। इसका इतिहास महाराजा माधव सिंह से जुड़ा हुआ है और ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मंडे टू संडे सुबह 6 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। पत्रिका गेट अच्छे से दिखने लगा होगा, तो चलिए अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पत्रिका गेट जयपुर का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट लोगों के अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है और ये जयपुर के वाइब्रेंट आर्किटेक्चर का प्रतीक है और ये राजस्थान के विविध राजवंशों और उनके इतिहास को दर्शाता है और इसका ये डिजाइन इसे बहुत ही विशेष बनाता है। तो पत्रिका गेट 2016 में बनना स्टार्ट हुआ था और 8 सितंबर 2020 को बनकर रेडी हुआ और करीब 4 से 5 साल लग गए और इसे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। पत्रिका गेट को राजस्थान पत्रिका ग्रुप के थ्रू बनवाया गया था, ये गेट उन्हें जयपुर की कल्चर हेरिटेज को समर्पित किया था। पत्रिका गेट के आसपास कुछ लैंडमार्क्स हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ज्वार सर्कल गार्डन, गौरव टावर, मालवीय नगर और यहाँ से जयपुर का एयरपोर्ट भी पास है। और पत्रिका गेट इसलिए ही बनवाया गया था क्योंकि राजस्थान के विविध वाइब्रेंट कल्चर रिच हिस्ट्री को दर्शाने के लिए और क्योंकि ये गेट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और राजस्थानी विरासत को संभालने और दर्शाने का कार्य करें। दोस्तों हम पहुंच गए पत्रिका गेट, ये है मेरे सामने, बहुत बड़ा सर है, कैमरा में तो पता नहीं चल रहा लेकिन आप अगर रियल में आएंगे तो आपको मजा आएगा। रात में बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा लाइट चल रहा था यहाँ पर, बहुत ग्लो कर रहा था। ये बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उस रास्ते से अपन आए पत्रिका गेट अपन पहुंच गए और यहाँ बहुत सारे लोग ने फोटो शूट करवा रहे हैं। तो आप असली में आएंगे, मतलब रियल में आएंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छा वर्क हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छा समय है ये वाला एकदम, अभी ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक चौकी थानी इसी तरफ से गए थे अपन, बोगी पानी इसी रोड, तो उसी रोड से अपन ये उसको देखे थे, बहुत दूर था इस पांड्या निवास से, वहां से चलते हैं अपन, आप फोटो वोटो खिंचवाते हैं यहाँ पर। तो अपना फर्स्ट प्लेस घूमना कंप्लीट हुआ और अब अपन अपने सेकेंड लोकेशन पे जाएंगे जो कि है आमेर फोर्ट। दोस्तों पत्रिका गेट से अपना हो गया घूमना और फोटो वोटो भी अपन क्लिक करा लिए और अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, आमेर फोर्ट जा रहे हैं। इसी रोड से बहुत सारे लोग आए थे और प्री वेडिंग शूट वगैरह भी कर रहे थे लोग, 5 बजे से भी आए होंगे शायद, सुबह सुबह से हम लोग तो 10 बजे तो अपन अपने सेकंड लोकेशन में आ गए जो कि है आमेर फोर्ट। देखिए तो इस फोर्ट का आउटर लुक कितना विशाल और सुंदर है और इसे पूरा का पूरा घूमने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ आप लोग को जूस, नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक के भी शॉप्स मिल जाएंगे और साथ ही ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक वाले भी मिल जाएंगे, पर इनका रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। और यहाँ तक आप लोग वॉकिंग करके भी आ सकते हैं या यहाँ से टूरिस्ट व्हीकल से भी आ सकते हैं, जिससे आप वॉकिंग और तेज धूप से भी बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगी और आप लोग को गाइड भी मिल जाएंगे आमेर फोर्ट के एंट्री गेट में ही, उससे आप अच्छे से और फोर्ट के बारे में डिटेल्स जान पाएंगे। तो अपन आ गए हैं आमेर फोर्ट के अंदर, तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके, सभी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं और ये पूरा फोर्ट
आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से नजारा, पहाड़, लेक, सब चीज एकदम प्रसैर दिख रहा है। उस तरफ पूरा चलने वाला दीवार है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होता वैसे ही। बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर। कैमरा में तो पता नहीं चल रहा, आप लोग रियल में आएंगे तभी आप लोग को ज्यादा मजा आएगा, वैसे सब कहते हैं। 3-4 घंटे का है पूरा ये। हम लोग कोशिश करते हैं जितना लोग कवर कर पाए आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। और ये फोर्ट अपने पांड्या निवास से 8.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और 30 मिनट लग जाएगा पहुंचने में। एड्रेस आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिलेगा। और ये फोर्ट की टाइमिंग सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है। ये अपन आ गए आमेर फोर्ट के एकदम अंदर मेन। तो हम लोग इस गेट से आए, अब हम लोग वहाँ जाना है। तो अब हम लोग फाइनली आमेर फोर्ट के अंदर कोर्टयार्ड में आ गए हैं। तो अब हम लोग सामने टिकट काउंटर में जाना है टिकट लेने के लिए। टिकट का प्राइस फॉर इंडियन 50 रुपीज पर पर्सन, फॉर फॉरेनर 550 रुपीज पर पर्सन, और अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो 10 रुपीज पर पर्सन, और अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट है तो 100 रुपीज पर पर्सन। कैमरा और इक्विपमेंट्स परमिशन की बात करूँ तो अगर आप कुछ शूटिंग करने आए जैसे शॉर्ट फिल्म में प्री वेडिंग टाइप के काम से कैमरे लाए हैं तो आप लोग को शायद परमिशन लेनी पड़ सकती है। पर अगर आप बेसिक फोटोज के लिए कैमरे में लाए तो कोई आपको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करेगा। जैसे मैंने रिसर्च किया था तो अलाउड लिखा हुआ था, तो आप भी अच्छे से रिसर्च करके ही ऐसे प्लेस आए। चलिए अब आमेर फोर्ट के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। आमेर फोर्ट जयपुर का सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है जिसका इतिहास और आर्किटेक्चर काफी रिच और एंगेजिंग है। और ये 16th सेंचुरी में बना स्टार्ट हुआ था और सन 1592 में राजा मानसिंह वन ने बनवाया था, और साथ ही कई दूसरे राजाओं ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी। और 17th सेंचुरी तक ये फोर्ट काफी हद तक तैयार हो गई थी और टाइम के साथ इसमें कई सुधार और एडिशन भी किए गए। और ये फोर्ट मुगल राजपूताना शैली का एक बेहद सुंदर मिश्रण है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है। फोर्ट का सबसे खूबसूरत और फोटोजेनिक सेक्शन शीश महल आता है जिसे मिरर पैलेस भी कहते हैं। इस शीश महल में एक दिए रखने से पूरे महल में चमक हो जाती थी। और अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो शीश महल का इंटीरियर और गणेश पोल और फोर्ट का जालीदार झरोखा से जयपुर का व्यू बेस्ट स्पॉट है। ये आपके ब्लॉग के लिए परफेक्ट ब्यूरो शॉट दे सकता है। और टोटल कमरे की बात करूं तो 150 से ज्यादा रूम्स हैं और 100 से ज्यादा विंडोज हैं जो कि मुगल और राजपूताना स्टाइल में बने हैं। आमेर फोर्ट आए हैं तो यहाँ के लाइट और साउंड और स्टनिंग विजुअल इफेक्ट के साथ दिखाया जाता है जो कि रात को स्पेशल एक्सपीरियंस देता है। और अगर आप दिन में आए हैं तो कोर्टयार्ड में होने वाले ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक परफॉर्मेंस को देखना मत भूलिएगा। आमेर फोर्ट में देखने लायक जगह जैसे शीश महल, गणेश पोल, दीवाने खास, दीवाने आम, सुख निवास, सेफ्रॉन गार्डन, लाइट एंड साउंड शो, एलिफेंट राइड, ये सब आप लोग देखना ना भूलिएगा। आमेर फोर्ट काफी बड़ा और प्राचीन है और ये जयपुर के उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा में है और इस फोर्ट का टोटल एरिया लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप लोग फोटो खिंचवा सकते हैं, ये अच्छा लोकेशन है। यहाँ से आए थे हम लोग, यहाँ से तो आमेर फोर्ट अपना गुंडा हो गया, अपना यहाँ से डन हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऑटो की तरफ। ऑटो हमारा खड़ा है। आप लोग फोटो मेरा इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ रेगुलर, तो आप लोग फॉलो कर लेना। यहाँ पर नीचे यूजर नेम आ जाएगा। और चलते हैं ऑटो में, इसको कुछ जूस पीने चलते हैं क्योंकि एनर्जी डाउन हो गया है बॉस। हाँ, तेज धूप है, सुबह तो बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, इतना थोड़ा गर्मी लग रहा है। वैसे 1 बजने वाला अभी 12:30 हुआ है, पर यहाँ से हम निकाल रहे हैं, एग्जिट करते हैं। तो अपना सेकेंड लोकेशन आमेर फोर्ट घूमना हो गया और अब अपन अपने थर्ड लोकेशन जाएंगे जो कि पास में ही है स्टेप वेल। ये दोस्तों आमेर फोर्ट के पास ही है स्टेप वेल, भी घूमने आगे बहुत फेमस जगह ये भी है, लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के बाद। देखिए कैसा है, यही पर जस्ट मेरे सामने, ये देखिए जस्ट फोर्ट के थोड़ा पास में ही है, पीछे भी ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे उसका शूटिंग जानवी कपूर और ईशान खट्टर का। अच्छा, अब अपन अपने थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं जो कि है जयपुर का एक प्राचीन स्टेपल जिसे पन्ना मीना कुंड भी कहा जाता है। पन्ना मीना का कुंड जयपुर के आमेर के पास स्थित है। ये 16th सेंचुरी का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसे वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। पुराने जमाने में राजस्थान के ड्राई क्लाइमेट के कारण कुंड को पानी इकट्ठा करने और लोगों को सप्लाई करने
करने के लिए यूज किया जाता था और इसको बनाने का क्रेडिट लोकल रूलर्स को दिया जाता है और इसमें टोटल स्टेप्स 200 से ज्यादा है और 8 लेवल्स हैं जो कि इंटीग्रेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में बनी है। कुंड की गहराई लगभग 10 मीटर मतलब 23 से 35 फीट है। पुराने टाइम पे ये पानी से भरा हुआ होता था और ये आमेर फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और फोर्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनी है और इसकी यूनिक स्ट्रक्चर इस जगह को एक पॉपुलर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्पॉट बनाता है और इसे विजिट करने का सही टाइम सुबह या आफ्टरनून का वक्त होता है जब लाइट परफेक्ट होती है और भीड़ कम होती है, वो टाइम बेस्ट होता है। तो तीन जगह घूम के आने के बाद अपन थोड़ी देर जूस ब्रेक लेने का सोचे क्योंकि अब बहुत देर धूप हो गया है और बहुत प्यास लगने लगा है और अभी घूमने के बाद बीच में शॉर्ट ब्रेक वगैरह जरूर लेते रहें। इसमें आप जूस पिए या फ्रूट वगैरह खाते रहें, ये आपके बॉडी में एनर्जी बनाए रखेगा जिससे आपको थकान महसूस नहीं होगा और आप अपने पूरे जर्नी का मजा अच्छे से ले पाएंगे। तो दोस्तों अभी स्टेपवेल घूम के आने के बाद अपन आ गए जूस वाले स्टॉल में जूस पीने के लिए क्योंकि बहुत प्यास लग रहा था थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा जूस पीने से। बैठते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 40 रुपए में आप लोग जूस पी सकते हैं, यहाँ पर वही रीजनेबल रेट है जहाँ अंबिकापुर में भी वैसे ही आप लोग यहाँ पर जूस पी सकते हैं। अभी जूस पीने जूस अंबी का जूस है, चलो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। कल तो उतने अच्छे से नहीं घूम पाए थे क्योंकि कल तो ट्रेन ही लेट हो गया था, उसके चलते जल्दी जल्दी सब चीज़ घूमे। आज पत्रिका गेट घूमे, अजमेर फोर्ट घूमे और स्टेप वेल घूमे, बहुत अच्छा अच्छा फोटो आ गया है। तो अपना काम तो हो गया, तो अपन को 7:30 बजे अपन पांड्या निवास है जहाँ अपन स्टे के वहाँ से अपना सब चीज़ लेके फिर अपन चेकआउट कर लेंगे। तो ये रहा हम लोग का मौसम्बी का जूस, पीते हैं मस्त और ताज़ा करते हैं अपने शरीर को। तो अब अपन अपने थर्ड लोकेशन स्टेपवेल को कंप्लीट करके अब अपन अपने फोर्थ लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि है सिटी पैलेस। तो छोटी सी ब्रेक लेने के बाद अपन अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अब अपन अपने फोर्थ लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि जयपुर का फेमस सिटी पैलेस। तो दोस्तों ये अपन आ गए, इस तरफ जंतर मंतर है और इस साइड सिटी पैलेस है। सबसे पहले सिटी पैलेस जाएंगे और अपन बीच में मार्केट वगैरह भी घुसते हैं लेकिन ना उतना पसंद नहीं आया अपन को और महंगा भी बहुत था तो अपन नहीं लिए वहां से कुछ भी, और बहुत महंगा महंगा था, पसंद का भी नहीं था तो अपन नहीं लिए। तो अपन फिर सिटी पैलेस और बाकी जगह कवर करने के लिए आ गए। अभी अपन इस रोड से आए, जंतर मंतर है और इस साइड सिटी पैलेस है। तो ये सिटी पैलेस है, इसका गेट है और यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं 300 रुपये में एक पर्सन का। तो सिटी पैलेस अपने पांड्या निवास से 1.4 किलोमीटर 9 मिनट्स की डिस्टेंस पे है और आमेर फोर्ट से 7.4 किलोमीटर मतलब आधे घंटे की दूरी पे है। और ये डिस्टेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिलेगी और आपको इटिनरी बनाते वक्त आसानी होगी और आप अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार जर्नी प्लान डिसाइड कर सकते हैं। उस साइड से एंट्रेंस से उजीरी से आया बन टिकट कटा के, आप लोगों को देना है वहाँ टिकट, यहाँ से और अंदर जाना है। अच्छा बड़ा है, अच्छा सुंदर है। सिटी पैलेस जयपुर का एक सुंदर मिश्रण है राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का और जयपुर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक है। और ये सिटी पैलेस को महाराजा सवाई जय सिंह टू ने बनवाया था और ईयर 1727 में बना शुरू हुआ था और 18th सेंचुरी के बीच तक बनकर कंप्लीट हो गया था। और ये जब जयपुर बसाया गया तभी से इसका निर्माण शुरू हो गया था और कई सालों तक काम चलता रहा और आगे के राजाओं ने भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जब ये सिटी पैलेस बन रहा था तब जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह टू थे और आज के समय में भी जयपुर के रॉयल फैमिली सिटी पैलेस के प्राइवेट सेक्शन में रहती है और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जयपुर के रॉयल फैमिली के किंग है। और इन फैमिली में महारानी दिया कुमारी मतलब महाराजा भवानी सिंह की बेटी, गौरवी कुमारी मतलब महारानी दिया कुमारी की बेटी और महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश महारानी दिया कुमारी के छोटे बेटे, ये सब इन रॉयल फैमिली के मेंबर हैं जो अभी भी सिटी पैलेस के दूसरे प्राइवेट सेक्शन में रहती है। और सिटी पैलेस में देखने लायक जगह जैसे चंद्र महल, मुबारक महल, दीवाने खास, दीवाने आम, प्रीतम निवास चौक, ये सब बेहद अद्भुत जगह हैं देखने लायक। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे यहाँ पर दो बड़े सिल्वर आर्म्स हैं मतलब दो बड़े सिल्वर कलश हैं जिनके लिए गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर कलश हैं और ये आर्म्स महाराजा माधव सिंह टू ने बनवाया था। तो लगता है यहाँ पर कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, उसी के लिए सब पूरा तैयारी चल रहा है। लाइटिंग डीजे वीजे टाइप का लोग आए हैं, फैशन शो टाइप और कुछ चीज होने वाला है। इतना बड़ा सा है, बहुत सुंदर। He was also a lover. He was 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 a lover
तो दोस्तों अभी हम लोग उस तरफ से आए, उस तरफ कुछ कुछ रॉयल राजाओं के फोटो वगैरह लगे हुए हैं। उस साइड से आए, उस साइड म्यूजियम है, रॉयल चेयर्स वगैरह, बड़े बड़े झूमर वूमर लगे हुए हैं। अगर देख सकते हैं यहाँ पर ये संत है, वो अपन कुछ कुछ दुकान गए दोस्तों, वहाँ पर अपन 100 ग्राम 150 ग्राम वाले रजाई देखे, बहुत हल्की रजाई रहती है, शिमला टाइप ठंड जैसे पड़ता है उस टाइप की जगह में भी वो अच्छा वर्क करता है, अच्छा गिरवाता है, सब बोल रहे हैं। कितने से स्टार्ट था प्राइसिंग? 1200-1300 का प्राइसिंग है। बाकी आप लोग का आप लोग लेंगे या नहीं ले, लोगों को घूमना होगा सिटी पैलेस आप आ सकते हैं। बाकी सिटी पैलेस का मेन जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वहाँ 3000 रुपए देना, तो आप लोग वहाँ जाने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग सिटी पैलेस में घूमने, बहुत अच्छा प्लेस है, म्यूजियम वगैरह आप लोग इधर जा सकती है, सब फ्री है। यहाँ से अभी हम लोग आए हैं, यहाँ इसके अंदर आप लोगों को ड्रेस वगैरह देखने को मिलेगा महाराजा लोग का। उस साइड आप लोग को राजस्थानी के रॉयल चेयर्स झूमर वगैरह उस टाइप के रूम दिखेंगे, हॉल है, और वहाँ राजाओं लोग के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिटी पैलेस जी आप लोग को रिकमेंडेड है, आप लोग आ सकते हैं। और बाकी वहाँ ऊपर चढ़ने का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा अगर आपके बजट में, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, वहाँ ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। बाकी 300 रुपए में एक जन पूरा यहाँ पर घूम सकता है, आनंद ले सकता है यहाँ का। इस साइड पूरे ड्रेस वगैरह रखे हुए हैं उन लोगों के, राजा लोग के एकदम बड़े बड़े ड्रेस है, देखिएगा आप लोग जरूर यहाँ आइएगा। यहाँ से आना है और इस साइड अगर आप लोग जाएंगे यही म्यूजियम के इस साइड, तो आप लोग को वही पूरा रॉयल फैमिली वाला पूरा चेयर्स वगैरह देखने को मिलेगा, झूमर वगैरह लगा है। अभी ये सब अब हम लोग जा रहे हैं अपने ऑटो की तरफ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ये मैग्नेट वाला ले सकते हैं अपने, जैसे अलमारी वगैरह फ्रिज वगैरह में चिपकाने के लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो टिकट काउंटर के जस्ट सीधी है एंट्रेंस के पास, हम लोग यहाँ से एक दोस्त को ले रहे हैं। हम लोग ऐसा टाइप का फ्रिज में चिपकाना है खूब सारा, अपन देखे हैं बहुत रूम वगैरह में अच्छा लिखता है ये फ्रिज वाले डोर में मैग्नेटिक सब यादगार चीजें यहाँ के। ये सिटी पैलेस हम लोग घूम लिए और इस साइड जंतर मंतर, आप लोग को जंतर मंतर के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा या कंपोजिट टिकट में आप लोगों साथ हुए आप लोग घूम सकते हैं कंपोजिट टिकट में अगर लेते हैं। तो मच्छा हम लोग जा रहे हैं अपने ऑटो के पास क्योंकि अपन को और कहीं कहीं घूमना है, थकान वैसे कम ही हो रहा है ज्यादा नहीं, सुबह तो ठंडा हवा था, अभी रात में ठंडी लगेगा, अभी इतना टाइम बस थोड़ा सा गर्मी, लेकिन घूमते रहेंगे तो आप लोग का ध्यान उस तरफ रहेगा तो आप लोग को गर्मी तो नहीं लगेगा। अक्टूबर से मार्च तक का समय एकदम सही है। बाकी अपन म्यूजियम वगैरह कपड़े वगैरह रखाए हुए हैं, म्यूजियम है और कपड़े हैं और राजा लोग के फोटो वगैरह हैं, वो सारे लोग को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, हिस्ट्री जानने को मिलेगा कैसे लोग रहते थे। क्योंकि पहले से बस जो म्यूजियम वगैरह जहाँ प्राइवेट वगैरह बोर्ड लगा हुआ वहाँ पर आप लोग को अलग से चार्ज देना पड़ेगा और ऊपर चढ़ने के लिए भी 3000 रुपए, तो वहाँ देख सकते हैं वहाँ आप लोगों का फोटो वगैरह बहुत अच्छा आएगा और कहीं कहीं वीडियो कैमरा अलाउ नहीं, तो आप लोगों ने उस पर ध्यान रखिएगा। देखिये पर्स है, बैग है, राजस्थानी बैग, इस टाइप के कचरे वाले गाड़ी घूमते रहते हैं, बीच बीच में जो गार्बेज होता है उसको उठा हैं, ये सब अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। ये वाले जो हैं ये बंदे गाड़ी बीच बीच कचरा वैक्यूम करते रहते हैं इन लोग। तो अपना पूरा लोकेशन घूमना कंप्लीट हुआ और लास्ट में अपन आ गए जयपुर के फेमस मार्केट एक्सप्लोर करने। सब कुछ घूमना हो गया, हम लोग फाइनली अपन शॉपिंग के लिए आ गए हैं मार्केट, लोकल मार्केट राजस्थान का, लोकल मार्केट जयपुर का, लोकल चीजें मिलते हैं यहाँ पर। अपना जो अपना होटल है जहाँ अपना लॉज है वहाँ से एकदम पास में ही हवा महल वाला ही रोड है जैसे लग रहा है, सब दुकान यहाँ पर इसी टाइप के ही है। अपन देखते हैं बैग वगैरह लेना है दीदी को, जूती वगैरह लेना है और राजस्थानी लहंगा वगैरह देखना है उसको, वो सब देखते हैं। यहाँ से पूरा लोकल शॉप चालू हो जाता है लोकल मार्केट, तो सर दुकान है देखिए आप। चलिए जयपुर के मार्केट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। जयपुर का मार्केट अपनी हेरिटेज और सुंदरता के लिए मशहूर है और मार्केट का इतिहास शहर के निर्माण के साथ ही जुड़ा हुआ है। सन 1727 में महाराजा सवई जय सिंह टू ने जयपुर का निर्माण किया था और सिस्टमेटिकली प्लान मार्केट्स बनवाए। पर्दा वगैरह है दोस्तों यहाँ पर कुर्ता वगैरह दिख रहे हैं, पैंट कुर्ता, जूती, किस टाइप का जूती लेना था इन्हें, इस तरफ चूड़ी वगैरह, बहुत इयररिंग्स वगैरह जो प्रदर्शनी में लगता है, मेला वगैरह अंबिकापुर में सब सब सेम टाइप का दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर आप लोग ले सकते हैं लोकल मार्केट। उन्होंने बाजार का लेआउट इसी तरह डिजाइन किया था जिससे लोगों को आसानी से शॉपिंग कर सके और हर टाइप का माल मिल सके। ये ब्रेसलेट 600 रुपए का ब्रेसलेट है,
100 रुपए के ब्रेसलेट्स हैं, थोड़े महंगे लग रहे हैं। ये सेम इयररिंग्स तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं, मतलब कला केंद्र में प्रदर्शनी वगैरह। जयपुर की कुछ फेमस मार्केट जैसे जोहारी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोली बाजार, चांदपोल बाजार, ये सब बाजार बहुत अद्भुत हैं और जयपुर की हर फेमस यादगार चीजें मिलती हैं। तो आप जयपुर आए हैं तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर जरूर से खरीदी करने जाएं। और हम लोग जिस मार्केट में हैं, हवा महल एकदम पास में ही है और इसका नाम सीरे देवरी बाजार कहते हैं। बाजार की ओपनिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलती है और बेस्ट टाइम दोपहर की है अगर आपको भीड़ से बचना है तो। और जयपुर के कुछ फेमस खरीदने लायक आइटम्स जैसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े, मोजरीज मतलब जयपुरी जूतियां, हैंडमेड बैग्स, ब्लू पॉटरी और ट्रेडिशनल राजाइयां, ये सब चीजें खरीदने लायक। और जयपुर के जोहारी बाजार और बापू बाजार में आपको कुछ चीजें महंगी लग सकती है तो आपको यहाँ पर बार्गेन करना पड़ेगा। जब आप शॉपिंग करें तो 20-30% तक बार्गेन करवा सकते हैं और कुछ जगह आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप थोड़ा स्मार्ट शॉपिंग करें। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लस्सी पीने के लिए और आप लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप लोग छोटा मोटा चीज जरूर ट्राई करें, फेमस वाला वो सब टाइम निकाल के पूरे स्ट्रीट फूड को ट्राई करिए, आप लोग को पसंद आएगा। अपन लोग लस्सी पी रहे हैं, लस्सी 40 रुपए है, बाकी आप लोग प्राइस दे दीजिए। तो ये अपना लस्सी आ गया 40 रुपए में, नहीं मलाई रहता, मलाई है कि आइसक्रीम। मार्केट के बीच में अपन पी रहे हैं गन्ना जूस, नहीं एकदम सिंपल रहेगा, पुदीना बस डाल दीजिएगा। हाँ हाँ पुदीना डाल दीजिएगा बस, हाँ नींबू डाल दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग को प्यास लग रहा है तो बीच बीच में पानी के साथ साथ अपन जूस वगैरह भी पीते जा रहे हैं, तो हम लोग को ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, मुँह नहीं सूख रहा, गला नहीं सूख रहा है, कमजोरी नहीं लग रहा, हम लोग तब अच्छे से घूम लिए सब। आप लोग भी पीते जाइएगा, कुछ कुछ फल वल आकर आप लोग ज़्यादा खाइएगा तो आप लोग थकान वगैरह नहीं होगा, स्टेमिना बना। हमारी दोस्तों यहाँ पर तो पूरे लेडीज़ के ही आइटम, हमारे तो कुछ है ही, हम लोग फालतू आके लगता है, यहाँ देखो बस लेडीज़ लोग ही आइटम। कुछ चीज़ महंगा है, कुछ चीज़ सस्ता है, जूती वगैरह ठीक है, सूट वगैरह ठीक है, नहीं तो लड़की लोग बस शॉपिंग करते हैं और भाई लोग लड़के लोग ये काम करते हैं, कूली बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसमें, अलग मज़ा, सब चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। और इसमें और कलर है क्या? नहीं कलर मतलब पैटर्न, कल लेके गई थी सब टूट इसको निकाल दो। ये सब भी 150 रुपए का और वो भी 140 के आसपास का है, आप लोगों को बहुत बार्गेनिंग करवाना पड़ेगा, देख के शॉपिंग करना पड़ेगा तभी आप लोग पैसे बचा सकते हैं। यही जो मनमाना रेट बोलते हैं, प्रदर्शनी में भी यही सब चीज सेम रेट का ही बताते हैं, यहाँ आके लेने से क्या फायदा होगा। ऐसी तो था है ना, नहीं ये तो 50 ऐसे है, 50-50 का सामान, ये वाला 50 है लेकिन 150 बोल रहा है। देखिए ये वाले भैया फिर मिल गए जो कल हम लोग घुमाए थे कल वाले दिन, बोल रहे हैं यहीं पर आप पास में ही रहते हैं। तो हमारा सब कुछ घूमना हो गया, साथ ही जयपुर का मार्केट भी एक्सप्लोर कर लिया और हम लोग अब फाइनली जा रहे हैं अपने लॉन्च को चेकआउट करने, उसके बाद निकलेंगे अपन रेलवे स्टेशन जयपुर के। होटल आ गए, थोड़ा देर हो गया हमको आए और हम लोग बस निकलने वाले हैं, बस चेंज करते हैं, ये थोड़ा गंदा हो गया और होटल आके अब चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद उदयपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, 10:30 बजे ट्रेन है, अभी थोड़ा देर बचा है तो फोन वगैरह चार्ज कर ले रहे हैं, पानी वाली रिफिल कर ले रहे हैं,
चेकआउट करेंगे बस। अपना पांड्या निवास बहुत अच्छा होटल था, अच्छा लगा एक रात के लिए। 900 रुपये में कोई ख़राब नहीं है, बस सब बढ़िया है एकदम। एसी वेसी सब अच्छा काम के, टॉयलेट प्लस पानी वगैरह सब बढ़िया है। तो आज के दिन हम लोग घूमे दोस्तों पत्रिका गेट सबसे पहले, उसके बाद गए अमेर फोर्ट के बाद स्टेप है, उसके बाद सिटी पैलेस, तीन चार जगह आज कवर हो गया। और मार्केट से कुछ कुछ शॉपिंग कर ली दीदी घर वाले लोग के लिए, मम्मी पापा लोग सरप्राइज देंगे, जूती पर्स वगैरह बैग वैग है और भी कुछ कुछ लिए हैं, हाथ का ब्रेसलेट लिए हैं। चलिए अब मैं चल रहा हूँ चेंज करने, मेरा बारी आके दीदी आ गई है। हम लोग पकड़ लिए ई रिक्शा और रेलवे स्टेशन अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अगले दिन आप लोग देखेंगे उदयपुर। जी हाँ, आप लोग उदयपुर देखेंगे, उदयपुर के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद एक जगह और जाना, वो भी आप लोग सस्पेंस है। जयपुर को बाय बाय बोलते हैं। हम लोग होटल को चेकआउट कर लिए, अच्छा होटल था, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। यहाँ से सब चीज़ पास वास पे है तो ईजी होगा सर। पांड्या निवास जैसे तो आप लोग को पूरा वीडियो दिखाया हूँ, तो आप लोग पूरे पार्ट में वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो पूरा देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो ये दोस्तों स्टेशन रोड में अपन आ गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा जाम, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि 10 मिनट रास्ता है और हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। खैर बड़े स्टेट में, बड़ी सिटी में तो ये सब होता ही। अपने अंबिकापुर में बिल्कुल शांति है, इसलिए हम लोग अपने अंबिकापुर को बहुत पसंद करते हैं, फेमस करना चाहते हैं। खैर ये सब जगह कभी अपना ही मज़ा है, यही सब तो मज़ा करना है। हाँ ट्रैफिक देखो, सामान खरीदो, अच्छे से प्लेस घूमने जाओ, ये सबसे शांति मिलता है, दिल को अच्छा लगता है, दिमाग भी कॉन्फिडेंस मिलता है, सब चीज़ सीखते हैं। स्टेशन अपन पहुंच गए, सामने का पूरा है एंट्रेंस पूरा, तो आप लोग देखिए अभी रात के समय में स्टेशन कैसा दिखता है। ये भी पूरा पिंक पिंक है, पिंक पिंक है। तो दोस्तों स्टेशन तो अपन पहुंच गए और अभी दीदी कैश निकालने गई है। डेढ़ दिन से दो दिन तक आप लोग के लिए बिल्कुल इनफ है जयपुर घूमने के लिए। इटनरी बना दूंगा, आप लोग उस हिसाब से, हम लोग जहाँ जहाँ गए जिस जिस टाइम में, उस हिसाब से आप लोग घूम सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ सब चीज़। आप लोग के पास दो दिन है तो दो दिन में आप लोग का सब चीज़ कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा। हम लोग को लगा था कि आज हम लोग का पूरा टाइम घूमने में ही निकलेगा, लेकिन आधा ही समय हुआ था घूमते घूमते, चारों जगह अपन कवर कर लिए। वही सब है देखने लायक कि कैसे क्या होता था, राजा लोग क्या करते थे, वो हर पैलेस फोर्ट में यही सब रहता है, तो सभी इंटरेस्टिंग बन जाता था। हिस्टोरिकल चीज़ें आप लोग गाइड वगैरह भी ले सकते हैं, गाइड की मदद से भी आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या यहाँ पर क्या होता है। वो सब म्यूजियम वगैरह भी है सिटी पैलेस सब में, और आज वहाँ पर कुछ फंक्शन होने वाला था तो उसका पूरा तैयारी चल रहा था। मेरा कहना यही है दोस्तों, जब भी आप लोग को मौका मिलता तो आप लोग घूम ही लिया करिए, घूमने से ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। मेरा तो जब भी मन उदास लगता तो मैं घूमने निकल जाता हूँ, अभी बहुत टाइम से घूमा ही नहीं था। दो तीन जगह का मेरा कैंसिल हो गया, दुबई और पुडुचेरी बेंगलोर ये सब भी, तो मेरे बंदे मम्मी गई थी, वो सब घूमना आप लोग बहुत जरूरी है। आखिर आया है इंसान तो क्या लेके जाए, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के 8:15 और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं अभी उदयपुर। ट्रेन अपना 2 घंटे लेट था, अभी हम लोग होटल बुक करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ चेक इन करेंगे, चलते हैं अपने होटल वाले डेस्टिनेशन। तो ये दोस्तों हम लोग बस मस्त रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं उदयपुर टूर के लिए। हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का सिटी पैलेस, अपन स्कूटी बुक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अभी आए हैं पराठा खाने के लिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दोस्तों गाड़ी हम लोग पार्किंग लगा दिए यहाँ पर, ये पार्किंग है गवर्नमेंट वाला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ एंट्रेंस है। आप लोग स्कूटी रेंट मत लीजिएगा दोस्तों, बहुत झंझट है यहाँ स्कूटी वाला, हमारा एक्सपीरियंस बेकार रहा है स्कूटी वाला। तो ये अपन आ गया एंट्रेंस सामने सिटी पैलेस का, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट वगैरह भी है, जूस वूस आप लोगों को पीना होगा कुछ कुछ, तो आप लोग यहाँ से खा पी सकते हैं, कुछ कुछ खरीद सकते हैं, फिर थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकते हैं यहाँ पर। पापा से